चुनावी मौसम में ये मंत्रियों के कितने सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। अभी दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, गुजरात और हिमाचल भी काफ़ी ज़्यादा अहम है, और इसी बीच आम आदमी पार्टी के मंत्री जो जेल में सजा काट रहे हैं उनकी सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है, और विपक्ष लगातार सवाल पे सवाल दाग रही है कि कौन से कैदी को जेल में इतना आराम मिलता है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूँ आपके साथ आशीष सिंह। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट अजित कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सत्येंद्र जैन और निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट अजित कुमार के साथ बातचीत करते हुए वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं। और बता दें आपको कि अजित कुमार पर ईडी ने आरोप लगाया था कि वो जेल में सत्येंद्र जैन को सुविधाएं देते हैं, और इसी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया था। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन का ये वीडियो 12 सितंबर का बताया जा रहा है, और इससे पहले जेल में सत्येंद्र जैन की दो और वीडियोस वायरल हुई थी, जिसमें पहले वीडियो में वो मसाज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरे वीडियो में बाहर का खाना जेल के अंदर खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, और तमाम जो बाहर की चीज़ें हैं वो उनके कमरे में मौजूद हैं। तिहाड़ जेल के इन वीडियोज़ के वायरल होने पर बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरना, उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। वो इन सब के बाद सियासी घमासान भी मचा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता इस वीडियो को अलग अलग ट्विटर हैंडल से शेयर और ट्वीट करवा रहे हैं और लगातार सवाल पूछ रहे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया है। दिल्ली के सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि एमसीडी का चुनाव दो लाइनों में, बीजेपी के 10 वीडियो बनाम केजरीवाल के 10 काम, 4 दिसंबर को जनता देगी अपना जवाब। गौरतलब है कि जो वीडियो सत्येंद्र जैन का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें वो जेल में अपनी कोठरी के अंदर बंद है और तिहाड़ जेल के इस वीडियो में अधीक्षक के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जैन का जेल अधीक्षक से मुलाकात का ये कथित वीडियो कुछ बीजेपी नेताओं की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी मीडिया इकाई के प्रमुख हरीश खुराना ने सीसीटीवी कैमरे की ये जो फुटेज है वो शेयर करते हुए लिखा है कि ईमानदार मंत्री जैन का ये नया वीडियो देखिए। वहीं इस महीने की शुरुआत में तिहाड़ जेल के एक अधीक्षक को जैन को विशेष सुविधा मुहैया कराने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था। जल्द ही एमसीडी का चुनाव होने वाला है और गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बीच जो चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उनके मंत्री हैं उनके ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आना काफ़ी ज़्यादा राजनीति को जो है वो गर्म कर रहा है। क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हर एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।